आज हम एक लेडी का ड्राइंग बनाना सीखेंगे, एक विलेज लेडी सर, का। आप ये सब सबसे पहले ये ग्रे पेंसिल आप ग्रे ले कलर लो। पे करने का है। नहीं, ये जो ये A3 साइज है। अच्छा, ओके। आप कोई भी साइज के पेपर से कर सकते हैं, बस आपको मेजरमेंट करना आना चाहिए। जैसे ग्रिड में आप मेजरमेंट कर लेते हैं आसानी से कि कितना बड़ा बनने वाला है, उसी प्रकार हमको इसमें भी वो करना होता है कि कितना में वो बनेगा। आप रेडी हैं? चलिए, यहाँ पर आज हम एक विलेज लेडी का बनाने वाले हैं, राजस्थानी। तो यहाँ पर इसका सेंटर, दोनों पेज का सेंटर ये होगा, दोनों पेज का सेंटर आप लीजिए। एक लाइन खींचना है आपको, थ्री इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करना है, लाइक दिस। अब थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। अब मैं आई बनाना स्टार्ट करता हूँ। ये आई थोड़ा सा बड़ा बना बनेगा। अब सेकेंड आई ड्रॉ करूंगा। ये थोड़ा सा आई बड़ा बनाना है आपको, क्योंकि ये लेडी का फेस है। अब इसका आईब्रो यहाँ से ये जुड़ा होगा, हल्का सा यहाँ से ये। आप इतना हो जल्दी से कंप्लीट कीजिए, फिर आप मेरे को बताना जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इतना को आप कंप्लीट कीजिए। वो औरत का आयरस बहुत राइट साइड में है। हाँ, ये वाला, हाँ, हाँ इसका ये होगा, ये थोड़ा सा बड़ा होगा। आपको आई से लेके रिलेटेड कुछ डाउट है?
वो टियर डक्ट है ना, टियर का हाँ तो टियर्स आता है ना उधर, उधर का ये मेरे को ये ड्रॉ करने के लिए बहुत कुछ मुश्किल है। कौन सा वाला पार्ट? ए फर्स्ट है ना टियर, जो टियर्स आता है ना, ये वाला? नहीं, उसके पहले एस फर्स्ट में ये हाँ वाला? वही वही हाँ टियर्स आता है ना, हाँ आंसू हाँ आता ये है ना क्योंकि उधर थ्री, हाँ इधर से और यहां से नहीं, आता वो है। आंसू आंसू का वो है ना डक्ट, वो पोजीशन मेरे को ठीक से नहीं आता। हाँ तो यहाँ पे आपको इसी तरह से करना है जैसे कोई आई बना रहे हैं आप। तो आपको सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ से आपको ऐसा लेना है और यहाँ से देखिए बहुत ही सिंपल है। ये देखिए आपका आई रेडी हो गया। आप इस तरह का प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपका ड्राइंग बहुत अच्छा बनेगा। हाँ आपको और कोई डाउट है? नहीं इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, कंप्लीट हो गया। हो गया। चलिए अब नोज के ऊपर आते हैं। यहाँ पे आपको इस तरह से लेना है, इतना मेजरमेंट, और उसके बाद यहाँ से ये इतना पार्ट में होगा। इस पार्ट में आपको नोज आएगा। देखिए आप इस नोज को जल्दी से ड्रॉ कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नोज जल्दी ड्रॉ कीजिए। आपको मैं जैसे पहले बताया था, आपको सेंटर में ड्रॉ करना है, पूरा चेहरे का सेंटर में आई को ड्रॉ करना है, जो पेपर का सेंटर होता है उस पे आपको एक सेंटर पॉइंट लेना है, और उसके बाद भी नोज का जो विड्थ होता है वो यहाँ पे इतना होता है, इतना आपको मेजर करना है इसमें, और फिर यहाँ से ये इस साइज में। जल्दी ड्रॉ कीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
यस सर। हो गया। अब यहाँ से लेंगे हम इस आईब्रो के लास्ट से इस तरह से, यहाँ से जो सेंटर है इसका विड्थ, इसका लेंथ, तो यहाँ तक जाएगा। हाँ, आप इतना को जल्दी से कंप्लीट कीजिए हेयर और इसको, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हो गया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका लिप्स के ऊपर आते हैं, तो ये लाइन है ना, यहाँ से आपको इस तरह से मेजर करना है। ये देखिए, इस तरह से नोज टू ये आईब्रो, तो यहाँ से नीचे इसका चीन आएगा। और चिन से उसका सेंटर लिप्स आएगा।
लंबा हो गए तेरा, देख ना, लंबा नापने में गलती हो गई, नापे हो गए चेहरा लंबा हो गया। कृपा कृपा नहीं बन अरे रहा, इतना को आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके सर। हाँ कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया? हाँ मेरे को दिखाइए।
हाँ बहुत अच्छा आया है। आपका पेपर कौन सा साइज है? हाँ A3। बहुत अच्छा बना है, आउटलाइन आपका बहुत अच्छा हुआ है। अब चलिए आपको क्या क्या टूल लेना है मैं आपको बताता हूँ आगे के प्रोसेस के लिए। आप सबसे पहले लीजिए ये चारकोल पेंसिल, एक ब्लेंडिंग स्टम्प, एक इरेजर, एक 0.5 की मैकेनिकल पेंसिल, 4B पेंसिल, इरेजर, और ये दो प्रकार के सिंथेटिक पेंट ब्रश। आपको इतना कुछ लेना है, इतना में ही मतलब ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा। हाँ और एक ये एक कंप्रेस्ड चारकोल, आपको कुछ इतना प्रोडक्ट लेना है। मैं इसको साइड में कर देता हूँ। आपको कुछ इतना लेना है सामान, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। आप सामान ले लिए? लेकिन मेरा वो रबर दिखाई नहीं देता। ये वाला वो नहीं सर, वो दूसरा वाला, वो चारकोल का। हाँ हाँ, मेरे पास ये वाला भी है, ये रेबल इरेजर। हाँ वही वही। हाँ ओके ओके सर, स्टार्ट करो। ओके तो मैं जैसे आपको हर क्लास में बताता हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, आई से, बहुत ही हार्ड प्रेशर के साथ। अगर आप इसके नीचे को भी काला कर देंगे ना तब भी चलेगा, ये वाला पार्ट को, इस वाले पार्ट को अगर आप काला कर देंगे तो वो काजल लगा है टाइप हो जाएगा। इसको आप छोड़ भी सकते हैं और कर भी सकते हैं ज्यादा डार्क, इससे कोई नो इशू। आपको सबसे पहले डिफाइन कर लेना है कि कहाँ कहाँ पे ज्यादा डार्क है।
आप इतना कंप्लीट कीजिए, मैं इसको अभी तक कोई ब्लेंडिंग नहीं किया हूँ, बस इसमें चारकोल पेंसिल में चलाया हूँ। आपको भी इतना करना है, तो उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा इसके शेडिंग के पार्ट पे। इसको जल्दी कीजिए। ये तो है, देखो नहीं। ओके, हो गया। एक मिनट सर, हाँ, और आपको एक पेंट ब्रश लेना है और आपको एक बार उसको एक स्मच कर देना है, जहां जहां पे आपको डेप्थ देना है, डेप्थ एरिया। और आपको लेना है ये 0.5 के मैकेनिकल पेंसिल। हेलो, सर आप शॉप पेस्टल ले लिए? सॉफ्ट पेस्टल? अभी कितना क्लास उसका बाकी है? अभी गिना नहीं। आप बताइए। मालूम नहीं, मुझे देखना है तो मैं ये भी खरीदूंगी, सॉफ्ट कौन सा? पेस्टल। हाँ, आप जल्दी खरीद लीजिए, 2 या 3 क्लास के बाद उसका जरूरत होगा। या फिर इस हफ्ते के बाद, तब तक मैं कंप्लीट कराऊंगा आपको जितना भी आपका क्लास बचा था। हाँ, इस हफ्ते के अंदर, इस वीक के अंदर, जो भी मैं क्लास छूट गया था आपका, जो नहीं ले पाया था मैं आपका क्लास, उस सब एक हफ्ते के अंदर लूंगा। फिर उसके बाद वो आप सब पिस्टल ले लेना, फिर उसमें से स्टार्ट करेंगे मंडे से। आज कौन सा है? आज फ्राइडे है। आज फ्राइडे, मंडे से स्टार्ट करेंगे। ए मंडे, हाँ, ये मंडे से। यो 2 दिन के बाद। हाँ,
आप जब तक सॉफ्ट पेस्टर नहीं ले लेते, हम पेंसिल से सीखते रहेंगे। अपने समय और से वही हाँ, दूँ। फिर आपका नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगा। पर आप गांव से आया वापस? हाँ, आ गया। वो जो मेरी ग्रैंड मदर थी ना, उनका डेथ हो गया था। कब हुआ था? मतलब वो 6 मंथ लेटर। तो उसका वो था, उसका पूजा। हाँ, पूजा था, तो इसलिए गांव गए थे। तो अब 0.5 की मैकेनिकल पेंसिल चलाने के बाद मैं इसका यूज करूंगा। ये 4B पेंसिल है, ग्रेफाइट पेंसिल। आप इसको किसी भी तरह से बना सकते हैं। जो मेरा रेफरेंस है उसको उसमें हैचिंग से बना है। मैं इसको शेडिंग से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको शेडिंग करके, यहाँ पे हल्का हल्का सा इसमें शेडिंग करना है, इसको स्मज करना है। फिर मैं इसको कॉटन से स्मज कर रहा हूँ। देखिए, ये वाला कॉटन से। आप इतना को जल्दी से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे।
सर हेलो हेलो हो गया हाँ हाँ चलिए अब चारकोल पेंसिल हेयर पे काम करना है जिस तरह से इसका डायरेक्शन गया है डायरेक्शन हमको खुद समझना होता है आप इतना वो कंप्लीट कीजिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेरा पेंसिल टूट गया मैं इसको छील के आता हूँ आप इसकी मदद से छीलना आपका जो चारकोल पेंसिल है उसको। अच्छा ठीक है मैं छील के आता हूँ तब तक आप इसको कंप्लीट कीजिए। हेलो अच्छा आपका कितना हुआ? अरे ये भी टूट गया बहुत कमजोर है। हाँ थोड़ा सा प्रेशर दिया टूट गया फिर से छिलने जाना पड़ेगा।
इसको मैं यही छील लेता हूँ। देखिए आपको पेंसिल को कैसे छीलना है, इसका जो ये होगा ये आपको लंबा छीलना है इस तरह से। पेंसिल बड़ी होनी चाहिए जो उसका लेड है। देखिए आपको इस तरह से छीलना है। ओके सर। आपका हो गया? आगे बढ़े। ओके सो चलिए नोज के ऊपर आते हैं। यहाँ आपको सबसे पहले जो जहां जहां पर डार्क पार्ट होता है उस डार्क पार्ट को आपको इस तरह से करना है। सबसे पहले डार्क पार्ट, और यहाँ पे मैं 4B पेंसिल यूज करूंगा। स्क्रीन के लिए आप चारकोल यूज मत कीजिए, आप वहां पे ग्रेफाइट यूज करिए क्योंकि चारकोल में फिर डार्क हो जाएगा। वो कौन सा पेंसिल है? ग्रेफाइट? हाँ ग्रेफाइट 4B।
अब यहाँ पे लिप। हाँ चलिए, मैं बहुत फास्ट हो जाता हूँ, मैं आज फास्ट थोड़ी हूँ। हेलो, हाँ सर। आज मैं फास्ट थोड़ी हूँ। नहीं, सही है। हाँ, आप इतना वो करिए कंप्लीट, उसके बाद हम लिप्स के ऊपर आते हैं। ओके सर। हो गया। ओके, चलिए आप लिप्स के ऊपर आते हैं। आप शेडिंग को जैसे इसमें आप मेरे साथ बनाते हैं, हम ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद एक और बार आप बनाइए, दो या तीन बार, तो उसके बाद आपका जो ड्राइंग होगा वो बहुत अच्छे से होगा। आपका शेडिंग और आपका आउटलाइन को आपको ध्यान मैं देना है। ओल्ड मैन को फिनिश किया, मैं दिखा दूं। ओके हाँ, दिखाइए। हाँ, थोड़ा सा इधर। सर, दिखाई देता है। हाँ, नहीं, कैमरा ऑफ हो गया। मिनट। हाँ, हो गया कैमरा। हाँ, बहुत अच्छा बना है। हाँ, बहुत अच्छा बना है। हाँ, और चलिए अब इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर। आपको एक ये लेना है, नेडेबल इरेजर, और उसको पूरा इस तरह से करना है, और इसको इस तरह से बना लेना है, और उसको एक बार इस तरह से चलाना है। तो जितना ये डेप्थ एरिया होगा, जो बैलेंस होगा, ये बैलेंस कर देगा हर चीज को। जैसे मोबाइल में जो फोटो खींचते हैं उसमें फिल्टर होता है ना, हाँ, उसी तरह ये काम करता है। इसको इस ड्राइंग में ये फिल्टर कर देगा। ये अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है हर चीज को, डस्ट को।
आपके पास है नेबुलाइजर? मेरे पास था, अभी वो किधर है पता नहीं, छोटा सा है, मैं उससे कर दूं। जी मैम। चलिए, फेस कंप्लीट हो गया। अब यहां पे आते हैं। आप इसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हो गया सर, हो गया। अब यहाँ पे आते हैं इसकी साड़ी के डिजाइन पे।
इस तरह से आपको इस साड़ी में डिजाइन देना है। इधर को आप करिए डिजाइन, और फिर मैं इधर से आगे बढ़ता हूँ। इस तरह से आपको साड़ी में डिजाइन देना है। आप जितना डिजाइन देंगे उतना ही वो अच्छा निखर कर आएगा। आप इतना को जल्दी से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। कंप्लीट कीजिए इसको। कंप्लीट किया सर। हो गया इतना?
अब आपका इतना कंप्लीट हो गया? अब जो हमारा काम है वो इतना ही बचा है, उसके बाद ये पोर्ट्रेट कंप्लीट हो गया। हेलो, आपका हो गया? हाँ, चलिए इसके डिजाइन में आते हैं हम। ये साड़ी के डिजाइन वो भी चारकोल से करना है? हाँ, वो भी मैं कंप्लीट चारकोल से आपको बता रहा हूँ। वैसे आपका फेवरेट मीडिया कौन सा है? एक्रेलिक। एक्रेलिक? हाँ, तो आप एक्रेलिक सीखेंगे या ऑयल? ऑयल्स। ओके, और एक्रेलिक? उसके बाद मैं हर टाइप के मीडिया में काम करता हूँ। आप कोई एक्रेलिक का पेंटिंग बनाए हैं? नहीं, इस तरह से आपको इसका प्रिंट बनाना है साड़ी का। सर्कल पेंसिल की हेल्प से बहुत ही हार्ड प्रेशर के साथ आपको ड्रॉ करना है। अब मैं इस तरह से इसमें शेड कर रहा हूँ और उसके बाद ग्रेफाइट से एक बार शेड करूंगा। और उसको मैं ये वाला जो कॉटन है उससे स्मच करूंगा।
उसके बाद मैं यहाँ पे ये लूंगा, और उसको यहाँ से इरेज करना शुरू करूंगा। अगर आपको 3D बनाना है ना, तो उसको ये वाला टेक्निक आप करोगे तो वो 3D बनता है। करे तो मिटा के एक बार मैं यहां पे फिर से कर रहा हूं इसको, क्योंकि इरेज करने के बाद ये भी मिट गया। ये वैसे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं अपना सिग्नेचर कर लेता हूँ। आपका हो गया? इसको आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद क्लास को एंड कर देंगे। हेलो सर। हेलो। हाँ बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बना है। ओके थैंक यू। सच में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बना है, थैंक यू, बहुत अच्छा। अभी हो गया सर। हाँ हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। हाँ आपका कंप्लीट हो गया सर। ओके तो कंप्लीट क्लास हो को गया। एंड करें। ओके जी तो क्लास को एंड करते हैं। ओके सर, अभी मंडे को होगा ना।